भोपाल जनपद पहुंची एनडीआरएफ टीम द्वारा स्थानीय लोगों को बचाव कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के चरखारी कुलपहाड़ महुआ तहसील में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर एनडीआरएफ कर्मियों द्वारा जनता को राहत और फर्स्ट एड के तरीके बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी से आई 11वीं एनडीआरएफ टीम द्वारा त्वरित सहायता के नए तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। महुआ तहसील पहुंचकर एनडीआरएफ कर्मियों द्वारा थाना कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को आपदा के बारे में जानकारी व बचाव कार्य के तौर तरीके का प्रशिक्षण दिया गया है। दिए जाने वाले इस प्रशिक्षण में प्राथमिक उपचार और दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जिंदगी बचाने के बारे में बारीकी से जानकारी मुहैया कराई गई है। प्रशिक्षण के दौरान स्थानीय साधनों से स्ट्रेचर बनाना और प्लास्टिक की खाली बोतलों के उपयोग मात्र से तैरने वाली सामग्री बनाने के बारे में गहन जानकारी दी गई है। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैसी की रिपोर्ट। हमारा मेन मकसद यही था कि लोगों को जागरूक करना। फीमैक्स के तौर पर हमारा फीमैक्स चलता है और इसके अलावा थोड़ा एरिया की भी जानकारी, डिजास्टर जैसे बरसात वगैरह होती है उससे पहले की तैयारी, ये सब देखने के लिए पूरी टीम हमारी आई थी। इसमें बचाने के जो हमने अभी यहाँ भी बताया है, घरेलू जो अपने संसाधन है उनसे आप ये सब चीज़ें जो हमने यहाँ भी बताया था अभी, जैसे कि इम्प्रोवाइज स्ट्रक्चर वगैरह बनाना है और राफ्ट वगैरह है, लाइफ जैकेट का भी दिखाया था, जो घरेलू संसाधन होते हैं तो इससे आप बाढ़ के दौरान अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और बाकी ये फर्स्ट एड का भी बताया था, तो इसमें भी जो एक्सीडेंटल केस होते हैं तो हम उसमें फर्स्ट एड हॉस्पिटल जाने से पहले किस प्रकार इलाज करते हैं इसका भी। इसमें जो है फर्स्ट एड के बारे में बता रहे थे कि अगर किसी को किसी की दुर्घटना हो जाती है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो किस तरीके से आप फर्स्ट एड देंगे और स्ट्रेचर कैसे बनाएंगे ये बताया, कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाएंगे ये बताया, और बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने। मतलब हम जो है प्रारंभिक तौर पर फर्स्ट एड के तौर पर उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं और हॉस्पिटल में उसका सुचारू रूप से इलाज हो सकता है। हम लोग जनपद में फीमैक्स प्रोग्राम के लिए आए हैं जिसमें यहाँ की आपदा संभावित क्षेत्रों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेते हैं, लोगों से जाकर के मिलते हैं, जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं और दूर दराज के गांव में जाकर के लोगों को आपदा से संभावित प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ पर जो भी जिस जगह पर जाते हैं वहाँ पर स्थानीय उपलब्ध साधन, जैसे कि कोई फ्रैक्चर हो जाता है, किसी को रोड एक्सीडेंट में किसी को कोई घायल हो जाता है, तो उस टाइम पर उसे क्या इलाज किया जाए, तत्काल एम्बुलेंस आने तक क्या प्राथमिक चिकित्सा दिया जाए, इसके बारे में बताते हैं। साथ ही जैसे कि उपलब्ध सामानों से, स्थानीय उपलब्ध सामानों से तैरने वाली सामग्री, स्ट्रेचर इत्यादि बनाना सिखाते हैं। कितने दिन का कैंप है? जी, हम लोग अभी यहाँ पर 9 तारीख से लगातार कैंप कर रहे हैं और हमारा अभी 19 तारीख तक कैंप है।